कुछ मर्दूदों को लगता है कि वो कुरान को जलाकर उसकी बेहरमती करके दुनिया से इस्लाम का नाम मिटा देंगे, लेकिन इन मर्दूदों को ये नहीं पता कि कुरान हर मुसलमान के दिलों में बसता है और उन्हें इस बात का मुगालता बार बार होता है कि वो इस तरह की हरकतें करके इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये हर इंसान जानता है, इसलिए बार बार ऐसी गलतियां करता हुआ दिखाता है। दोस्तों, किस तरीके से ईद के दिन स्वीडन में कुरान की बेहुर्मती की गई, उसे जलाया गया, उस पे पैर रखा गया और इसकी इजाजत देने वाले स्वीडन ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये तो कोई और नहीं इराकी का बंदा है और इसलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम इसमें मना ही नहीं कर सकते। ईद के दिन क्या कुछ हुआ दोस्तों, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ये मर्दूद कुरान के साथ बेहुर्मती करता हुआ दिखाई दिया। और जब स्वीडन से ये सवाल किया गया कि आपने ये परमिशन क्यों दी, तो स्वीडन ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी को नहीं रोक सकते और वैसे भी वो हरकत करने वाला इंसान इराकी है। और जब इराक पर बात आई तो इराक ने क्या कुछ किया है दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। राजधानी बगदाद में मुसलमानों ने स्वीडन दूतावास का क्या हश्र किया वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी के साथ साथ विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है और इस पूरी दुनिया में होते हुए विरोध के बीच एक और वीडियो सामने आया है फिलिस्तीन जेरूसलम से दोस्तों, जहां पर स्वीडन दूतावास के बाहर फिलिस्तीनी युवक कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपना विरोध दर्ज करा रहा है। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा विरोध का ये नायाब तरीका जिसमें स्वीडन दूतावास के बाहर बैठकर नमाज कुरान पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है और विरोध जताया जा रहा है और साफ मैसेज देने की कोशिश है कि आप जिस कुरान को लेकर इस्लाम पर इस्लामोफोबिया जहन से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कुरान पढ़ते हुए करेंगे, नमाज पढ़ते हुए करेंगे, क्योंकि इस्लाम को दिलों से मिटाना नामुमकिन है। आप चाहे इस्लामोफोबिया गंदी जहन से चाहे जितना ही प्रपंच फैलाते रहे दोस्त। और इसी बीच सबसे बड़ा प्रतिक्रिया अगर किसी के सामने आया है दोस्तों, तो तुर्की का वीडियो सामने आया है। रजब तैयब एर्दोगन ने कड़े शब्दों में स्वीडन को उसकी औकात दिखाई है दोस्तों, एक बार रजब तैयब एर्दोगन के इस गुस्से भरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मुसलमानların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğretir। तो दोस्तों, आपने देखा रजब तैयब एर्दोगन का वो वीडियो जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि स्वीडन को बख्शा नहीं जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप इस्लाम की बेहुर्मती नहीं कर सकते, कुरान की बेहुर्मती नहीं कर सकते और आप बार बार स्वीडन से इस तरीके की तस्वीरें बाहर सामने आ रही हैं। स्वीडन का साफ तौर पर कुरान को लेकर ये कहना है कि ये महिलाओं के खिलाफ
पुस्तक है जिसका हम बहिष्कार करते हैं और बार बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी नाटो ने अब पूरी तरीके से स्वीडन को उसकी औकात दिखाने की लेकर कमर कस ली है। दोस्तों आपको ये भी बता देना जरूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया में स्वीडन प्रोडक्ट्स का बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की, मिस्र, मोरक्को, इजिप्ट सब लोगों ने स्वीडन से बायकॉट प्रोडक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर भी लगातार बायकॉट स्वीडन का पूरा हैशटैग चल रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है और बार बार यही कहने और बताने की कोशिश है कि आप इस्लाम को निशाना बनाएंगे तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, आप कुरान की बेहुरमती करेंगे तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आपको ये बात जान और समझ लेनी चाहिए कि जितनी कुरानों के साथ आप इस तरीके की हरकत करेंगे, कितने कुरानों को आप इस तरीके से उसके साथ गलत करेंगे, जबकि हर कुरान हमारे दिल में बसता है। और कतर ने इसके ऊपर, कतर यानी अल जजीरा ने इसको प्रमुखता से दिखाया है दोस्तों, और कतर ने पूरी तरीके से कट्टरवाद और तो और साफ तौर पर आतंकी घटना को नाम से इसे अपनी रिपोर्ट में शुमार किया है। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि तुर्की ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है उसे तमाम मुस्लिम देशों को सामने आकर वैसे ही स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इस आतंकवादी घटना को जब तक ठिकाने नहीं लगाया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। ये दुनिया इस्लामोफोबिक सोच से ग्रस्त है, इसका मतलब ये नहीं इस्लाम को बार बार निशाना बनाया जाएगा। अल जजीरा पूरी तरीके से प्रमुखता से इस बात को कट्टरता से भी ऊपर आतंकवादी घटना के नाम पर अंजाम दे रहा है। वो अपनी हेडलाइंस में लिख रहा है कि ये आतंकवादी घटना है दोस्तों, और ये मुद्दा दिन ब दिन आग पकड़ता हुआ जा रहा है। और इस आग पकड़ते मुद्दे में अब ये भी सामने आ गया है कि सिर्फ मुस्लिम देश नहीं, धीरे धीरे करके हर दुनिया में स्वीडन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट शुरू कर दिया गया है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस्लाम के नाम पर हर कोई अपनी इस्लामोफोबिक प्रवृत्ति का मुजाहरा देता रहता है, लेकिन मुसलमानों को ये जरूर पता है कि जिनके दिलों में कुरान बसता है उनको इन तमाम चीजों के साथ परेशान तो किया जा सकता है लेकिन ईमान से हिलाया नहीं जा सकता। शुक्रिया।